अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट इक्वेशन और रेट लॉ। ओके, रेट लॉ और रेट लॉ और रेट इक्वेशन, ये इंड टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज इसमें बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कंट्रोल कीजिए इन पॉइंट्स की तरफ, बहुत ही केयरफुल रहें। पहला पहला पॉइंट ये है कि रेट लॉ कोरिलेशन है किसके दरमियान। ये एक लॉ है, ये एक इक्वेशन है जो दो चीजों के दरमियान ताल्लुकात पैदा करती है, कोरिलेट करती है। किस किस को? कोरिलेशन बिटवीन रिएक्टिंग कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, के रफ्तार का मिकदार के साथ क्या ताल्लुक होता है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रफ्तार एक रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो मिकदार के साथ कैसे मुतालिक है, मिकदार कम या ज्यादा करने से रफ्तार के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। आइए इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं सपोज करता हूं, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप मैथमेटिकल है। ओके, ये एक मैथमेटिकल कोरिलेशन है बिटवीन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज मेरे पास, बल्कि इसे पहले मैं एक और चीज समझा दूं फिर हम इस तरफ आएंगे। मेरे पास रिएक्शन के एक केमिकल रिएक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हमारे पास एक रिएक्शन की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस हुआ करते हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ करता है। और ये आमतौर पर क्या होता है, यूनि स्टेप वन स्टेप रिएक्शन होता है। काम की बात, प्लीज। कंप्लेक्स रिएक्शन में जो रेट ला है इट इज नॉट गोइंग टू वे ला ऑफ मैस एक्शन, ला ऑफ मैस एक्शन को ओबे नहीं करता, कौन, रेट ला। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में लॉ ऑफ मैस एक्शन इज ओबेड, लॉ ऑफ मैस एक्शन इज वेरी सक्सेसफुली फॉलोड। अब कैसे, अब मैं एक रिएक्शन लेता हूं, लेट सपोज एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स सी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ डेल एक्स ओवर डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर एल बी पावर एम इज इक्वल टू के ए की पावर एल बी की पावर एम।
ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट ला और रेट इक्वेशन। जबकि यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स सी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डेल एक्स ओवर डेल टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। आपने पॉइंट पकड़ लिया है कि कोफिशियंट बिकम एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन। तो यहां पर जो कोफिशियंट थे वही एक्सपोनेंट बन गए हैं, लेकिन यहां पर जो कोफिशियंट थे, यहां पर वो कोफिशियंट एक्सपोनेंट नहीं बने, बल्कि यहां पर तो कुछ और एल आ चुका है और एम आ चुका है। हम इस तरफ बाद में आते हैं, पहले वो पॉइंट सीखिए। ये के क्या है, ये के मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है नोन एज रेट कांस्टेंट। इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, ये क्या चीज है, ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। ये क्या चीज है, ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। ये वाई और एक्स क्या चीज है, ये एक्स और वाई इनको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम इस x प्लस वाई को जमा कर देंगे तो इसको हम कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। समेशन ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंडिविजुअल जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं, इनको हम पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं, पार्शियल। अभी ये अधूरे ऑर्डर्स हैं, ये दोनों मिलकर फिर कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जवाब आपके पास आ जाएगा। तो अब एक रिजल्ट निकालता हूं कि हम पता जब होता नहीं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि ये रिएक्शन आपके पास कंप्लेक्स है, तो हम क्यों कर कह सकते हैं कि ये जो कोफिशियंट हैं ये एक्सपोनेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसीलिए रूटीन में हम इसी बात को प्रायोरिटी दिया करते हैं, इसको प्रेफरेंस मिलती है। क्यों, यहां पर एक नोट मैं लिखूंगा, नोट एल एंड एम मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। मे बी के एल बराबर है एक्स हो और मे बी के ना हो, ये डिपेंड करता है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। तो हम जनरली ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, अब वन बाय वन हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो प्लीज, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो आपके पास रेट इक्वेशन आ गई है कि डेल एक्स ओवर डेल टी इज इक्वल टू के ए की पावर एल बी की पावर एम, तो अब एक पॉइंट तो ये हो गया है, एक पॉइंट कि एल प्लस एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शोन बाय स्मॉल एम। इसके ऊपर हम डिटेल से कल बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो n होता है ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है,
टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी एल और एम का जो समेशन है उसका जो जवाब आएगा, इट कैन बी जीरो, वन, टू, थ्री, आर फ्रैक्शनल, आर नेगेटिव। रूटीन में इसकी वैल्यू थ्री से अबव नहीं पाई गई। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये के क्या बला है। ये के बजाहिर तो रेट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ओके, अब यहां पर आपको दो चीजें सीखने होंगी। एक आपके पास है इसके यूनिट्स। यूनिट्स हम यूनिट्स कैसे मालूम करेंगे? तो प्लीज याद रखें, प्लीज याद रखें, यूनिट्स ऑफ के आर नॉट फिक्स्ड। कभी के यूनिट्स क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं। ओके, फिक्स यूनिट्स नहीं होते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट्स यूनिट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आपको मैं एक शॉर्टकट यहां पे ट्रिक सिखाने वाला हूं कि जो भी ऑर्डर होगा आप उसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट तरीका, यूनिट यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोल लिख लीजिए, मोल, फिर वन माइनस ऑर्डर लिख लीजिए। आपके पास जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वन से उसको माइनस कर लीजिए, एक पॉइंट, फिर क्या कर लेंगे, डी एम क्यू, डी एम क्यू आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, डी एम क्यूब लिखें या आप लीटर लिखें आपकी मर्जी है, फिर आप क्या करें, ऑर्डर माइनस वन कर दीजिए। ओके, वहां पर वन से ऑर्डर माइनस कीजिए, यहां पर ऑर्डर से वन माइनस कीजिए, और आखिरी पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। अगर आपके पास कंसंट्रेशन से कंसर्न फिनोमेना जारी है, अगर प्रेशर के लिए बात है फिर आप क्या करेंगे, प्रेशर के लिए तो आप सिंपल इसको गायब कर दीजिए, आप एटीएम से बात करेंगे फिर। ओके, तो आप उसके बाद ऐसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका, वन माइनस ऑर्डर। अब मैं समझाता हूं, प्लीज, अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर होगा, अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर होगा, मैं कैसे यूनिट्स निकालूंगा, ये देखिए प्लीज, डेल एक्स ओवर डेल टी इज इक्वल टू के, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, जिस चीज की पावर जीरो हो वो तो वन के बराबर हो जाती है। तो आपके पास रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि जो रेट के यूनिट्स हैं वही तुम्हारे पास के यूनिट्स बन जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज याद रखें कि यूनिट्स आपके पास बन जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, आपके पास यूनिट्स बन गए हैं। अगर आप यहां पे पुट करना चाहें, पुट करें, वन माइनस जीरो, वन आ गया, ये देखिए मोल आ गया है, ये आपके पास क्या था, सॉरी ये मुझे माइनस थ्री कर दें, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब होता है ना, अगर आप यहां पर लीटर लिख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, अब डीएम क्यूब ऑर्डर माइनस वन था ना, ऑर्डर माइनस वन था, जब ऑर्डर माइनस वन था तो ऑर्डर तो तुम्हारे पास जीरो है, जीरो माइनस वन वही माइनस वन आ जाएगा आपके पास। अगर आप आसानी करना चाहें, आसानी ऐसा करें, इसमें आसानी लाना चाह रहा हूं, आसानी ऐसा करें, यहां पर आप लीटर लिख लीजिए, लीटर, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। ये देखें, जीरो माइनस वन, आंसर माइनस वन आ जाएगा, तो ये देखो
डीएम क्यूब माइनस माइनस डीएम इनवर्स लिखें, डीएम क्यूब इनवर्स लिखें, या यहां पर आप क्या लिखें लीटर इनवर्स, ये एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। फिर सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, डेल एक्स ओवर डेल टी के ए की पावर वन, तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, यूनिट क्या बचेगी आपके पास सेकेंड इनवर्स। अब आप यहां पर पुट कीजिए, वन माइनस वन जीरो, मोल की पावर जीरो, मोल गुम हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास लीटर की बात करते हैं, ऑर्डर माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, लीटर भी गुम हो गया, सेकेंड इनवर्स आपके पास देखें आ चुका है। इस तरीके से आप सेकेंड और थर्ड के लिए खुद अप्लाई कीजिए। तो ये तो मैंने आपको बुनियादी बात समझा दी है कि यूनिट्स ऑफ के कैसे निकालेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट ये है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस चीज के ऊपर के की वैल्यूज डिपेंड करती हैं। प्लीज प्लीज, के यूनिट्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो याद रखें नंबर वन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, नंबर टू एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, नंबर थ्री कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं, ओके, नंबर फोर कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं, ओके, नंबर फाइव आपके पास ये प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, यानी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। यहां बहुत बेहतर होगा कि मैं एक आर्हेनियस की इक्वेशन कोट कर दूं कि k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। आप देख रहे हैं कि ये वही आपका रेट कांस्टेंट k है, तो रेट कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, आई थिंक 2.718 के बराबर इसकी वैल्यू हुआ करती है, कैलकुलेटर में वो ई की पावर जो एक्स लिखा हुआ होता है या वो नेचुरल लॉग एल एन जिसे भी आप करना चाहें। ये ई ए क्या बोला, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये आर क्या है, ये आर जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, टी आपके पास क्या है टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको प्लीज याद रखना चाहिए कि के कंसंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और एक आपके पास रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, और रेट कांस्टेंट जो होता है रेट कांस्टेंट पर इन चीजों पर डिपेंड करता है। रूटीन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ जाती है, ओके, सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने से फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। सिमिलरली कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट है कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी मैटर करती है, ओके, सिमिलरली अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो प्रेशर भी आपके पास रोल प्ले करता है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस थे। एक आखिरी पॉइंट पे वाइंड अप करते हैं इसको, यहां पर देखिए जी, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को किसके बराबर ले लूं, वन के बराबर ले लूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वन ले लूं तो रेट कांस्टेंट और रेट का जवाब हमेशा एक होता है, ओके। थोड़ी देर पहले एक बात हुई कि वक्त के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाया करता है, लेकिन ये बात जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ठीक नहीं है, वो तो रिमेन कांस्टेंट, ओके।